अनंत सहाय जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और उनसे हम जानना चाहते हैं क्या कुछ स्थितियाँ हैं। सर, क्या कुछ स्थितियाँ देख रहे हैं आप? लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं रांची से लोकसभा चुनाव में। नहीं, यहाँ तो 100% माहौल देखिए, जो इनका अपना परिवार है वो परिवार भी बड़े पैमाने पे एक बड़ा नंबर है, वो 4-5 लाख की आबादी का, सिन्हा जी के अपने परिवार का, वहाँ से हमको समर्थन मिल रहा है। फिर आप सोशली देखिए ना, सोशल जो कम्बिनेशन है वहाँ कोई जगलरी नहीं चलता है, वो सब मन बना चुके हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा भी जीतेंगे और मीसा भारती भी जीतेंगे। ये पूरा कम्बिनेशन हम बहुत रिमोट इलाके में भी लोगों से बात की, तो एक ऐसा कम्बिनेशन वोट का बन चुका है कि जो इवन बीजेपी के जो वोटर हैं वो कैसे बीजेपी को वोट देंगे, कौन सी नई बात किया, एक भी पुरानी बातों में जो वादे किए, कि कभी ऐसा नहीं हुआ था। हम लोग जीवन में कहीं बाय द वे कोई वादा कर देते हैं, काम पूरा नहीं होता तो हिम्मत नहीं होता है दोबारा जाने की, और ये पूरे देश को ठगने का काम किया इन्होंने। तो ये मैं समझता हूँ कि पटना साहब बहुत क्लीन स्वीप होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रहे आप, सांसद भी कई बार रहे, रांची में एक आपका अच्छा खासा प्रभाव है, कांग्रेस में भी एक प्रभाव है, देश भर में आप जगह जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं। पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा जो आपके मित्र भी हैं उनके लिए प्रचार करने के लिए हैं, पटना साहिब का क्या प्रदेश नजर आ रहा है? चूँकि एक कमल छाप पर जब अब तक वोट देते थे लोग, जिताते थे इनको, अब वही पंजाब। देखिए, हम आप जानते हैं शत्रुघ्न सिन्हा का अपना क्लाउड है, अपने इनके चाहने वालों की संख्या है, और जो पॉलिटिकल कम्बिनेशन हमने बनाया वो बीजेपी के वोट से कहीं ज़्यादा बड़ा है हमारा, जो पॉलिटिकल सोशल कम्बिनेशन है। तो ऐसे हालत में मैं समझता हूँ कि ये कहीं परेशानी नहीं हो। सुशील मोदी कहते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा को जनता ने हीरो बनाया, अब उसके बाद जनता ने हीरो बनाया, ये सुशील मोदी कहते हैं। सुशील मोदी और उसके पैदा हुए हैं, शत्रुघ्न सिन्हा तो हम लोग के पहले पैदा हुए थे ना, और वो जब ये फुल प्रेजर हीरो थे तो सुशील मोदी धक्का करके फिल्म देखने जाते होंगे इनका, यही फर्क है।